सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपके चैनल टेक राज में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास रेडमी का फ़ोन है और दोस्तों उनके फ़ोन में MIUI 12 का अपडेट भी आ चुका है, लेकिन दोस्तों फिर भी उनके फ़ोन में जो नए नए फंक्शन हैं MIUI 12 वाले, जैसे कि न्यू कंट्रोल सेंटर और दोस्तों ऐप ड्रॉअर, जो दोस्तों उनके फ़ोन में शो नहीं हो रहे हैं। दोस्तों काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है कि वो अपने फ़ोन में फंक्शन कैसे ऑन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो अपडेट था वो उन्होंने अपडेट कर लिया है, लेकिन फिर भी ये फंक्शन उनके फ़ोन में शो नहीं हो रहे हैं, ना ही उनके फ़ोन में अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनको पता ही नहीं है कि ये फंक्शन जो होते हैं वो आपको अपने आप ऑन करने पड़ते हैं या ऑटोमेटिकली होते हैं। काफ़ी कंडीशन दोस्तों क्या होता है कि ये जो फंक्शन है दोस्तों आपको अपने फ़ोन को अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी कंडीशन में ये फंक्शन आपको खुद ही ऑन करने पड़ते हैं आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर। दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप कैसे अपने MIUI 12 के अपडेट के बाद अपने फ़ोन में ये सारे फंक्शन ऑन कर सकते हो, अगर आपके पास रेडमी का कोई फ़ोन है तो। और दोस्तों आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो, अगर उस फ़ोन में MIUI 12 का अपडेट हो चुका है तो आप जब सारे फंक्शन ऑन कर सकते हो। आप कैसे ऑन कर सकते हो ये तरीका मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, इससे मुझे थोड़ा आपको सपोर्ट मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि आपको कैसे अपने फ़ोन में ये सारे फंक्शन ऑन करने हैं। दोस्तों देखिए, ये है मेरा रेडमी का Note 7 Pro। इसका आप जो देखिए दोस्तों कंट्रोल सेंटर देखिए, जो पुराना वाला आ रहा है जैसे दोस्तों हमारा पहला था सेम वही आ रहा है। अब मैं आपको इसका UI वर्जन दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका जो UI वर्जन है वो है 12.0.1। फिर दोस्तों हमारा ऐप ड्रॉअर, फिर दोस्तों हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो पुराना वाला आ रहा है देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे चेंज कैसे कर सकते हो, आप इसमें नया वाला कंट्रोल सेंटर कैसे लगा सकते हो। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर। इस पर यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन आने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा यूज न्यू कंट्रोल सेंटर। आपको इस कंट्रोल सेंटर वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसे ऑन करोगे तो दोस्तों देखिए, अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आप इसे इस साइड से स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएंगी जो आपके फ़ोन में है। और दोस्तों अगर आप इसे राइट से करोगे तो आपका न्यू वाला कंट्रोल सेंटर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो न्यू कंट्रोल सेंटर है वो आ चुका है। आपको अंदर फंक्शन में जाकर ऑन करना पड़ता है। कई कंडीशन में दोस्तों ऐसा होता है कि हमें अपने ये फंक्शन को ऑन करना पड़ता है। MIUI 12 अपडेट के बाद हमें ये फंक्शन ऑन करना पड़ता है। और दोस्तों काफ़ी कंडीशन में जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिनके फ़ोन में जो ऑटोमेटिक ऑन नहीं हो पाता, तो वो लोग सोचते हैं कि हमारे फ़ोन में फंक्शन है ही नहीं है। तो दोस्तों फंक्शन होता है लेकिन उसे ऑन करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप इसे लेफ्ट से इस साइड करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएंगी। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों आप सोचोगे कि हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं फिर भी हमारा कंट्रोल सेंटर दिख नहीं रहा है। तो अगर आप इस साइड से करोगे तो आपकी नोटिफिकेशन दिखेगी, और आप इस साइड से करोगे तो आपका कंट्रोल सेंटर दिखेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दूसरा, इसका जो दूसरा प्रोसेस का जो इसमें नया फंक्शन आया है कि दोस्तों आप इसमें जो वाले ऐप ड्रॉअर है आप इसे कैसे ऑन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो इसमें जो ऐप ड्रॉअर है जिसमें डिफ़ॉल्ट आया है MIUI 12 में, मैंने कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं डाली है। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी खाली जगह डिस्प्ले पर टच करके रखना है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा सेटिंग का, सेटिंग पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है देखिए मोर का। आपको मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है होम स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक रेगुलर और एक विद ऐप ड्रॉअर। तो दोस्तों मेरा दूसरा वाला ऑप्शन है। जो ऑप्शन दोस्तों हमारे फ़ोन में तभी से होते हैं जब आपने अपने फ़ोन को MIUI 12 में अपडेट कर लिया होगा, उससे पहले दोस्तों जो ऑप्शन नहीं आएगा आपके फ़ोन में। तो अगर आप इसे रेगुलर पर लगा दोगे, वैसे दोस्तों ऑटो डिफ़ॉल्ट में रेगुलर पर लगा होता है। रेगुलर पर लगाने के बाद दोस्तों आप देखिए कि हमारे फ़ोन में कोई भी ऐप ड्रॉअर नहीं है। ये देखिए जितने भी फंक्शन है दोस्तों सारे डिस्प्ले के ऊपर ही हैं। लेकिन अगर आप इसे दूसरे वाले पे कर देते हो, इस पे विद ऐप ड्रॉअर वाले पे,
दोस्तों आपके फ़ोन में ऐप डोर आ जाएगा, ये देखिए। दोस्तों अब जी काफ़ी सोमी ने काफ़ी अच्छा किया है कि हमें डिफ़ॉल्ट में ऐप डोर दिया है। वैसे हमें दोस्तों क्या होता है कि काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें ऐप डोर का यूज़ करना अच्छा लगता है, तो उन्हें प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, तब वो इस एप्लीकेशन का यूज़ कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों फाइनली MIUI 12 में जब अपडेट आ चुका है, उसके बाद में जी हमें कई नए नए फंक्शन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों सेम प्रोसेस आप रेडमी के कोई भी फ़ोन में कर सकते हो अगर उसमें MIUI 12 का अपडेट आ चुका है। तो मैं आपको अब अपना रेडमी का Note 9 Pro Max में दिखाता हूँ, उसमें दोस्तों सेम ही प्रोसेस है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जी हाँ दोस्तों, मेरा रेडमी का Note 9 Pro Max, ये देखिए, इसमें भी दोस्तों सेम प्रोसेस है। इसमें दोस्तों देखिए हमारा जो ऐप ड्रॉअर है वो पुराना वाला ही है, लेकिन इसमें जो अपडेट है दोस्तों वो इसमें जो दोस्तों MIUI है वो 12.0.1 है, ये देखिए। फिर भी हमारा जो ऐप ड्रॉअर है, फिर भी हमारा दोस्तों कंट्रोल सेंटर है वो पुराना वाला ही है। अब इसमें भी आपको सही प्रोसेस करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने दोस्तों आपको डिस्प्ले पर जाना है। यहाँ जाने का दोस्तों आपको कंट्रोल सेंटर पर जाना है, उसी ऑप्शन में इसे ऑन कर देना है। ऑन करने का दोस्तों इस फोन में दोस्तों सही प्रोसेस देखिए। तो दोस्तों रेडमी कोई सा भी फ़ोन हो, अगर आप उस फोन में MIUI 12 रन कर रहा है तो ये फंक्शन रेडमी का फ़ोन में मिलेंगे जिस फोन में MIUI 12 का अपडेट होगा। और इसमें भी दोस्तों ऐप ड्रॉअर है, देखिए इसमें मैंने पहले से लगा लिया था, ये देखिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये नए फ़ोन है, ऐसे रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स से नया है और रेडमी नोट 7 प्रो भी थोड़ा पुराना है या फिर नया ही है। तो दोस्तों अगर आपके पास रेडमी का नोट 7 है या फिर 7S है, अगर उसमें MIUI 12 अपडेट है, इंस्टॉल है, तो दोस्तों आप उसमें सारे फंक्शन ऑन कर सकते हो जो मैंने आपको इन दोनों फ़ोन में दिखाए हैं। क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन ये जो फंक्शन है ये फ़ोन के अंदर नहीं आते, जो हमें MIUI 12 के उसमें अपडेट मिले हैं। और फिर दोस्तों MIUI 12 किसी भी फ़ोन में हो, वो जिस फ़ोन में होगा उसमें सारे फंक्शन आपको मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आप अपने फ़ोन में नया ऐप ड्रॉअर और नया कंट्रोल सेंटर कैसे ऑन कर सकते हो। चाहे दोस्तों आपके पास रेडमी कोई सा भी फ़ोन हो, कोई सा भी मॉडल हो, अगर उसमें आपका MIUI 12 का अपडेट हो चुका है तो आप उसमें सारे फंक्शन ऑन कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक हमने जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जैसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं सारी वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।